पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और जहाँ एम्बुलेंस डॉक्टर जैद इमरान साहब और पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। बेटा ये कैंप जो है ना ये सियासी मकसद के लिए जी इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है सज्जाद नशीर सैयद इफ्तखार हसन साहब से जो एक मेडिकल कैंप लगाया गया है इनकी सरपरस्ती में इनसे हम मजीद पूछते हैं। बेटा ये जो कैंप है इसका कोई सियासी मकसद नहीं है, सिर्फ इसका मकसद जो है वो ये है कि गरीबों और नादारों की इमदाद करना और वो लोग जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के नहीं अफोर्ड कर सकते, पैसे नहीं हैं, उनके लिए फ्री कैंप है, हर किस्म की अदवियात मुफ्त मैसर है यहाँ पर। और इंशाल्लाह ये तकरीबन हर दूसरे महीने में ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये बताया कि इसके जो आपके सरपरस्ती में मेडिकल कैंप है इसके जो दूर असर नतज या गरीब लोगों को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ जो जहाँ पर पेशेंट आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते तो उनके लिए आप ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसके बारे में मजीद आप सर इसके बारे में यही है कि मैं तो कहता हूँ हर साहिब हैसियत को चाहिए कि वो गरीबों की मदद के लिए इस किस्म के काम करें और हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ शहरों में सारी तवज्जो लाहौर इस्लामाबाद कराची पिंडी में ना हो, इन रूरल एरियों में भी हो। आप हमारे आप देख लें कि अबासिया वाली सड़क का हाल देख लें कि बंदा नहीं गुजर सकता, ये हालत हो गई यहाँ पर। तो इनको चाहिए एम एन ए साहब भी तवज्जो करें, सीएम साहब भी तवज्जो करें, कम अज़ कम ये सड़क तो शरीफ की ठीक हो जाए। मदीना तो सादात है, औलिया अल्लाह का शहर है जहाँ पर 1.25 लाख पीर दफन है, दो सिलसिले यहाँ से शुरू हो रहे हैं, कादरी सिलसिला सोरवर्दी सिलसिला। हालत ये है कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसी सड़कों का हालत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बल्दिया के पास वो सामान नहीं है जिससे वो इन चीज़ों की वो करें। इसलिए हमारे हाथ में तौफीक जो हो सकता है हम करते रहेंगे। मुफ्त बहुत मेहरबानी। जी इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सैयद इमरान साहब मौजूद हैं और इससे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं वो खातों और शहरों से मरीज़ आते हैं और इनसे मज़ीद हम तफसीलात जानते हैं कि ये किस किस्म के मरीज़ आपके पास आते हैं। जी यहाँ पे ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी सी टीबी के मरीज़ आते हैं, काफ़ी गरीब है तबका वो यहाँ आता है, मुफ्त यहाँ मेडिसिन दी जाती हैं। गिलानी साहब बहुत मशहूर हो जा जो उन्होंने यहाँ कैंप स्टार्ट किया। जी सर इस वक्त मदीना तो सादात में मखदूम सैयद इफ्तखार हसन गिलानी का ये किताब बहुत ही लायक तहसीन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब अफराद ही यहाँ पर आते हैं और अपना मुफ्त इलाज करा रहे हैं। इसके साथ ही मोहम्मद नासिर शराजी ब्यूरो चीफ 47 न्यूज़ बॉर्ड।